नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भूपेश कुमार के नेतृत्व में दुग्धा गोलाई में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। इसके पूर्व युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंटक कार्यालय से पुतला के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने भाजपा विरोधी जमकर नारेबाजी की। महासचिव कुमार ने कहा कि भाजपा नित केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत जन जन के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करा दी, जबकि सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी की जमानत के साथ 30 दिनों के अंदर अपील करने की मोहलत देकर सजा को निलंबित रखा है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बना दिया है। साथ ही केंद्र सरकार देश के सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों के एक एक कर फंसाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी संस्था के विरोध में माननीय मोदी जी का पत्र प्रकटन, देश में अभी आपातकालीन जैसा माहौल बना हुआ है, जबकि कोर्ट ने निचली अदालत ने इनको 3 दिन का मोहलत दिया था कि अपना केस रखेंगे, तब तक इन्होंने अपना मनमानी चलाते हुए देश पे प्रशासनिक हर तरह का दबाव डालते हुए इनके संस्था को रद्द कर दिया। इसी विरोध में आज माननीय मोदी जी का प्रकटन। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं, वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। सदन में सच्चाई जब बोला जाता है तो म्यूट कर देते हैं पूरा सदन को। आज मामला पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कल ही आपने देखा होगा कि हमारे माननीय सांसद और हमारे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ, न्यायालय भी अभी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और कल उनके न्यायालय ने जो फैसला दिया जिससे उनकी संस्था चला गया, इसके पीछे मोदी सरकार और केंद्र सरकार डायरेक्ट वे में दोषी है। और मैं आज पूरा युवा कांग्रेस जो आज सड़क पर उतरी हुई है, उनके मोदी जी के खिलाफ है और उनका पुतला दहन किया गया, और ये पूरे देश में ये कार्यक्रम अभी चलता रहेगा जब तक कि मोदी जी इसको वापस ना लें। पुनः अभी हमारे नेता न्यायालय में जा रहे हैं, देखिए उसमें क्या फैसला होता है, लेकिन न्यायालय पर भी भरोसा जब केंद्र सरकार के इशारे पर ही वो कर रही है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से बीरेंद्र कुमार महतो की रिपोर्ट।